हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। 11 कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज उसका बच्चों सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने जो पार्ट कंप्लीट किया था वहां से बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल की सफर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 7, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस की फुल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। पैराग्राफ में इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंस स्टेटमेंट। अकाउंटिंग डिस्क्लोजर या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही समझा रहा है बच्चों हमें, फाइनेंस स्टेटमेंट में बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। पैराग्राफ में, टू अनेबल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट टू टेक इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजंस, इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बच्चों में ये समझा रहा है यूजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को बिजनेस की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन डिसीजन समझाने के लिए बच्चों फाइनेंस स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंस स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली। सही में बच्चों पूरी प्रामाणिकता से फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए होने चाहिए। पैराग्राफ में बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ब्रैकेट में 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, the financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company. As per company act 2013 bachcho, financial statement company ka sahi mein true and fair view dikhane wala statement hona chahiye, yani iske andar sari information fully disclose karni chahiye. Ab bachcho is example se samajhte hain. Jaise pehla example le rahe hum full disclosure concept ka. Based on full disclosure concept, whenever there is change in method of providing depreciation, the impact of such change on the profit or loss and in the value of assets should be disclosed in financial statement. ये पूरा पैराग्राफ और पॉइंट बच्चों में यही समझा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस करते हो, अगर डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करें बच्चों, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंस स्टेटमेंट में फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि बिजनेस ने अपनी डेप्रिसिएशन मेथड और असेट्स की वैल्यू चेंज की है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों, फाइनेंस स्टेटमेंट के साथ बिजनेस को अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। सिमिलरली, इंफॉर्मेशन अबाउट the change in method of stock or inventory valuation and its impact should be disclosed in financial statements. यानी बच्चों, अगर बिजनेस ने स्टॉक की मेथड फीफो लिफो या वेटेड एवरेज उसमें चेंज किया हो, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको फाइनेंस स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल बच्चों, इन एडिशन टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड शेयर्स, the market value thereof is also shown as additional information in financial statement. Yani bachcho, investment ki book value ke sath jo bhi listed shares hai uski market value ki information bhi business ko financial statement ke sath disclose karni chahiye. This is the concept of full disclosure concept. Theek hai bachcho, ab aage ja rahe hain 8 number ka concept lene ja rahi hai, materiality concept. ये बच्चों full disclosure जैसा ही concept है, दोनों mostly similar है, तो ज्यादा difference नहीं है। Paragraph में बच्चों materiality क्या होता है वो समझते हैं। Materiality नहीं कह सकते, important. Materiality concept is associated with principle of full disclosure. कह सकते हैं बच्चों, मैंने आपको अभी बताया वो full disclosure का ही concept है। According to full disclosure principle, all material information should be disclosed in the financial statements. Financial statement बच्चों सारे information disclose करनी चाहिए। Materiality depends upon the relevance
एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मटेरियलिटी बच्चों डिपेंड रहती है विश्वासपात्रता या इंफॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट के ऊपर। ऑल्सो मटेरियलिटी रिफर्स टू वॉट इज सिग्निफिकेंट एंड वॉट इज इनसिग्निफिकेंट। और बच्चों मटेरियलिटी इफेक्ट करता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर। इन शॉर्ट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों, बिजनेस के अंदर जो भी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनी इंफॉर्मेशन वुड बी शोन इन डिटेल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली वेन द सेम इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, वाइल इमटेरियल इंफॉर्मेशन मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ये पूरा पैराग्राफ बच्चों यही समझा रहा है कि बिजनेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड हो इंपॉर्टेंट हो वही आपको बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। इमटेरियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन बच्चों डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले एग्जाम्पल है बच्चों, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट्स इन फैक्टरी फॉर स्मॉल टूल्स लाइक स्मॉल हैमर्स नेल्स स्क्रूज स्क्रू ड्राइवर्स एटसेट्रा ओनली वन अकाउंट ऑफ लूज टूल्स अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड। ये पूरा पॉइंट बच्चों ऐसा बता रहा है कि छोटे छोटे जो भी पॉइंट है स्मॉल हैमर्स नेल स्क्रू ये बहुत ज्यादा बिजनेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका हर एक का अकाउंट बनाने की जगह पे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें यही समझा रहा है कॉमनली लूज टूल्स अकाउंट बना के सबको अंदर लिख देना चाहिए। सेकंड बच्चों, परचेज ऑफ डस्टबिन फॉर ₹45 शुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसिस इंस्टेड ऑफ कंसिडर इन द सेम टू बी फिक्स्ड असेट्स। ऐसा कह सकते हैं बच्चों जो भी डस्टबिन आप परचेज करो इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तो उसे बच्चों बिजनेस का फिक्स्ड असेट्स करके महत्व नहीं देना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए। जिसका जो इंपॉर्टेंट हो बच्चों उसको वही नोट करना चाहिए, यानी डस्टबिन के खर्च को एज एक्सपेंसेस लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब बच्चों नेक्स्ट 9 नंबर का हम प्रिंसिपल समझने जा रहे हैं, उससे कहा जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस मोस्टली इसका यूज करता है। पैराग्राफ में इसे समझते हैं, अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबल लॉस इन फ्यूचर इज टू बी कंसिडर्ड। मोस्टली जितने भी फ्यूचर के लॉसेज हो बच्चों उसे कंसिडर करना चाहिए। फॉर बट अ पॉसिबल ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू इज नॉट टू बी कंसिडर। फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉफिट हो बच्चों फ्यूचर की तो उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। सच अ कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रूडेंट कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ऐसी कॉन्सेप्ट को बच्चों प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एटमोस्ट केयर इज टू बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की बुक्स बनाते समय बच्चों ये खास ख्याल ध्यान में रखना है, प्रोबेबल लॉस शुड बी टेकन प्रोबेबल इनकम शुड बी इग्नोर्ड। अब बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो लेस प्राइस हो बच्चों स्टॉक की वो बिजनेस में कंसिडर करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर इज मेड इन द अकाउंट्स। हमेशा बच्चों डेटर कभी ना कभी नुकसान करवाते हैं तो वो जो लॉसेस है उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज मेड इन द अकाउंट्स। कई बार बच्चों डिस्काउंट देना पड़ता है डेटर को, उसके लिए भी पहले से फ्यूचर के लिए प्रोविजन करके रखनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर टेकिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम से ही पता चल रहा है वो आइटम की कॉस्ट से रिलेटेड है। पैराग्राफ में से समझते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी बच्चों हमेशा बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन को कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इफ देयर इज अ कॉस्ट द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट विच द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस एंड नॉट एनी मोर और लेस वैल्यू
देन दैट, यानी ट्रांजेक्शन में बच्चों कॉस्ट प्राइस ही लेनी चाहिए, ना उससे ज्यादा प्राइस या उससे कम प्राइस अकाउंट में लिखनी चाहिए. इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इफ देर इज नो कॉस्ट द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों अगर कोई कॉस्ट जनरेट ना हुई हो तो उसे हमें अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों. सबसे पहले एग्जाम्पल, थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से देखना. इफ अ पीस ऑफ लैंड इज परचेस्ड बाय अदिति फ्रॉम अनिल फॉर ₹5 लाख. अदिति नाम के पर्सन ने बच्चों ₹5 लाख में अनिल से लैंड खरीदी. दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ₹5 लाख ओनली. ये ट्रांजेक्शन बच्चों अकाउंट में ₹5 लाख से रिकॉर्ड होगा. ओनली बींग द मॉनिटरी कॉस्ट देयर ऑफ, मॉनिटरी कॉस्ट 5 लाख है. इवन इफ अदिति फील्स दैट दिस लैंड इज वर्थ ₹10 लाख, सी कैन नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एट ₹10 लाख. अदिति को ऐसा लग रहा है बच्चों ये सही में जमीन की प्राइस 10 लाख है, पर उसको 10 लाख पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती है. आगे जाते हैं बच्चों. एट द सेम टाइम इवन इफ अनिल फील्स दैट दिस पीस ऑफ लैंड इज वर्थ ₹3 लाख, अनिल को ऐसा लगा बच्चों सही में जमीन की प्राइस 3 लाख ही है, बट ही कैन नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एट ₹3 लाख इन हिज बुक्स when he has actually sold it for ₹5 लाख. तो ये पूरा पैराग्राफ ऐसा बचा रहा है बच्चों, अदिति ने 5 लाख में जमीन खरीदी तो अदिति को कॉस्ट प्राइस पे अकाउंट पे रिकॉर्ड करना है. वैसे ही बच्चों 5 लाख में अनिल ने बेचा तो अनिल 5 लाख में ही उसे रिकॉर्ड करेगा. 10 लाख और 3 लाख बच्चों भले दोनों को लग रहा हो पर वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे. ऑलवेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस. सेकेंड ट्रांजेक्शन बच्चों या सेकेंड एग्जाम्पल, no accounting entry is made for free samples received as there is no cost. अगर बच्चों बिजनेस को कोई free sample रिसीव हुआ हो या free sample दिया हो बच्चों तो उसमें कोई cost generate नहीं हुआ, इसलिए free sample के लिए आपको transaction record नहीं करना है. Now we are taking last accounting principle that is called dual aspect concept. बच्चों इसे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है. बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, वही बेस पे ये कॉन्सेप्ट आया है. पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों. ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. ड्यूअल एस्पेक्ट बच्चों बेसिक फाउंडेशन अकाउंट का ऐसा कह सकते हैं. इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का बेस ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट और हैज अ ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. यानी हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की बच्चों बिजनेस के अंदर दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और सेकेंड क्रेडिट, ऐसा कह सकते हैं. अब बच्चों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे पहला एग्जांपल ले रहे बच्चों, इफ बिजनेस एक्वायर्स यानी परचेज करना असेट्स, सो डिक्रीज इन सम अदर असेट्स. फॉर एग्जांपल, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 फॉर कैश. सपोज बच्चों आपने 5,000 में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर जो भी असेट्स है वो इंक्रीज होगी और कैश डिक्रीज होगा. दैट मीन्स ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. सेकेंड इफेक्ट बच्चों या सेकेंड एग्जाम्पल, If business acquires assets, then increase in liability of business. For example, purchased furniture worth ₹5,000 from Radhe Furniture Mart. Suppose बच्चों Radhe Furniture Mart में से आपने credit में furniture खरीदा तो furniture increase होगा. effect होगी furniture पे और second Radhe Furniture creditor है बच्चों तो second liability यानी creditor generate होगा. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इफ बिजनेस एक्वायर्स असेट्स देयरफॉर इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ ओनर. फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनर हैज ब्रॉट पर्सनल मशीन ऑफ ₹20,000 इनटू बिजनेस. अब बच्चों बिजनेस का मालिक सपोज ₹20,000 का मशीन लाया बिजनेस में तो ऑनर कैपिटल इंक्रीज होगी और सेकंड इफेक्ट में बच्चों मशीन बैलेंस शीट में असेट साइड इंक्रीज होगा. दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. लास्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, व्हेन सैलरी ऑफ ₹10,000 इज पेड टू क्लर्क. क्लर्क को सैलरी पेमेंट करोगे बच्चों तो सैलरी एक्सपेंसिस है, पहले इफेक्ट सैलरी पे होगी और सेकेंड कैश गोज आउट. तो दिस इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बच्चों. इसका बार बार यूज आपने 11 कॉमर्स में हर एक टॉपिक में किया है क्योंकि ये ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पे ही, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे ही अकाउंटिंग लिखा जाता है. इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट समझने के बाद बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम ये टॉपिक में से लेने जा रहे हैं. पहला एमसीक्यू बच्चों,
ब्लैंक कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड नॉट बी चेंज्ड। तो बच्चों स्टॉक की मेथड हर साल चेंज नहीं करनी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है बच्चों? तो आंसर आएगा सी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बिजनेस हमेशा कंसिस्टेंट बेस पे सेम मेथड अकाउंट्स में यूज करता होना चाहिए। सेकेंड एमसीक्यू बच्चों, फिक्स्ड असेट्स आर डेप्रिसिएटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक। फिक्स्ड असेट्स में बच्चों डेप्रिसिएशन लेस करना चाहिए, कौन से बेस पे आप अकाउंट में नोट डाउन करते हो? तो उसके अंदर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस लॉन्ग समय तक रन होने वाला है, ये धारणा पे फिक्स्ड असेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज मेड इन द मंथ ऑफ मार्च व्हाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स इवन दो द सैलरी फॉर द मंथ इज एक्चुअली पेड इन अप्रैल नेक्स्ट। बच्चों मार्च का सैलरी मार्च में ही लिखा जाता है भले पेमेंट अप्रैल में हुआ हो, ये कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पे लिखा जाता है? अक्रूवल बेस बच्चों, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे सैलरी को मार्च में ही लिखा जाता है। आंसर आएगा ए। अब बच्चों एमसीक्यू की सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं, अब लेने जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 4। बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट अमाउंट पेड फॉर द पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम द फर्म इज डेबिटेड बाय फर्म टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। कौन से कॉन्सेप्ट है बच्चों? ऑनर का पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स में लिखा जाता है। तो बच्चों ऑनर को बिजनेस को अलग एंटिटी दी गई है, तो आएगा बी आंसर, अकाउंटिंग एंटिटी, या एंटिटी कहो तो भी चलेगा। एमसीक्यू नंबर 5, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टीम ऑफ सिंसियर ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट एम्प्लॉई। कह सकते हैं बच्चों कौन से बेसिस पे एम्प्लॉई का सिंसियरिटी ऑनेस्टी हार्ड वर्किंग नोट नहीं किया जाता है? उसमें आंसर आएगा बच्चों मनी मेजरमेंट। रीजन ऑनेस्टी हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंसी को बच्चों मनी में मेजर नहीं किया जाता, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट। एमसीक्यू नंबर 6 बच्चों, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। कौन से बेसिस पे बच्चों पीएनएल बैलेंस शीट साल के अंत में बनाए जाते हैं? तो आंसर आएगा बच्चों आपके सामने डी, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये हो गए बच्चों आपके अफलातून 6 एमसीक्यू, सफर को नेक्स्ट पीपीटी में आगे बढ़ा रहे हैं। Now we are taking MCQ number 7. Whenever there is change in method of providing depreciation, the impact of such change on the profit or loss and in the value of assets should be disclosed in financial statements based on blank concept. तो generally बच्चों कोई भी आप changes करते हो method में तो वो full disclosure concept के आधार पे आपको information finance statement में दिखानी चाहिए। तो answer आएगा बच्चों A, full disclosure. Now we are taking MCQ number 8. Instead of preparing separate accounts for items like pen, eraser, rough writing pads, pencil and other stationery items, they are all grouped under one stationery expenses account based on blank concept. तो स्टेशनरी के अलग अलग खर्च को बच्चों एक ही हेड स्टेशनरी में लिखा जाता है, तो उसमें यूज होता है बच्चों मटेरियलिटी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। अब लेने जा रहे बच्चों एमसीक्यू नंबर 9। बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट प्रोविजन मे बी मेड फॉर कंटीजेंट लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट नॉट फॉर कंटीजेंट असेट्स। तो इसमें आएगा बच्चों आंसर डी, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऐसा कह सकते हैं, जिसमें बच्चों लॉन्ग टर्म लॉसेस या लायबिलिटी को ध्यान में लेना है,
असेट्स या फिर प्रॉफिट को इग्नोर करना है। नाउ वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 10। कृपा कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट ऑन 1/6/2016 फॉर परचेज ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 करोड़ फ्रॉम अनिल एंटरप्राइजेस। कृपा कॉर्पोरेशन ने बच्चों 1/6/2016 को फैक्ट्री का बिल्डिंग 5 करोड़ में अनिल एंटरप्राइज से परचेज किया। एक्चुअल पेमेंट ऑफ 5 करोड़ वॉज मेड ऑन डीड फॉर दिस ट्रांजेक्शन फॉर एग्जीक्यूटेड ऑन 15/6/2016। पेमेंट बच्चों 15 दिन बाद एग्जीक्यूट हुआ। When the market value of this factory building had gone up to rupees 6 crores. अब बच्चों 15 जून को market value 6 करोड़ हो गई है। Even though the value has increased to 6 crores, this transaction will have to be recorded only at 5 crores in the books of accounts based on blank concept. इसमें आएगा बच्चों cost concept। हमेशा transaction को cost price पे business पे record करना चाहिए बच्चों। भले फिर market price change हो जाए। Last MCQ बच्चों 11 number। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन दैट इज असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहां इसे कह सकते हो आप लोग ड्यूअल कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट। आंसर आएगा बच्चों सी। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चों और प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट पूरे हुए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सम्स आपको करवाऊंगा। यहां तक रखते हैं बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।